बच्चों, अब हम पर्यटन के बारे में जानेंगे। पहाड़ी इलाकों में पर्यटन का विकास काफी तेजी से फल फूल रहा है। हिमालय की सुंदरता, मनोहारी दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर होटलों का व्यवसाय भी काफी तेजी से विकसित हो रहा है। उनको लाने ले जाने के लिए ट्रैवल एजेंसी भी काफी आगे आ रही है। यहाँ पर धार्मिक स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब होने के कारण यहाँ पे स्थलों का दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों में सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी है भूस्खलन की। भूस्खलन क्या है? जमीन का सरकना। हिमालय की चट्टाने कठोर नहीं है और जंगल कटने के कारण ये धीरे धीरे ढलानों के तेज ढलानों के रूप में नीचे गिरते जा रही है और मलबे में गांव के गांव दबते चले जा रहे हैं और सड़कों पे गिरने के कारण आवागमन भी रुक जाता है और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। पहाड़ी इलाकों में जंगल कटने के कारण पानी जो है मैदानी इलाकों में आ रहा है और जिसके कारण बाढ़ की गंभीर समस्या बनती जा रही है।